हेलो एवरीवन वेलकम टू जीनियस मैं रजनी अग्रवाल आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम मैंने कई बार ये बात ऑब्जर्व करी है कि स्टूडेंट्स मैथ तो पढ़ते रहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करते रहते हैं बट उन्हें अगर पूछ लिया जाता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं अगर उन्हें पूछ लिया जाता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं नेचुरल के बारे में बताइए रेशनल नंबर्स के, को कैसे डिफाइन करेंगे तो गाइस प्लेन नहीं कर पाते हैं उन्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाए जाते उन्हें बस क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाता है गाइस, आज हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अच्छा लगे तो दिल से लाइक करें शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है तो गाइस लेट अस लर्न व्हाट आर नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं गाइस गाइस नेचुरल नंबर क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो कि हम काउंटिंग करते हैं जैसे आप कोई भी चीज को काउंट करेंगे तो आप काउंट कैसे करेंगे वन टू थ्री दीज आर द नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री फोर डैश डैश जो भी जिससे भी जो, जो भी नंबर आप काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। गाइस, अगर हम डिस्कस करें कि होल नंबर्स को कैसे डिफाइन किया जाए तो होल नंबर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो जीरो अगर हम नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं नेचुरल नंबर्स को अगर हम जीरो के साथ इंक्लूड कर दें तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स जो भी होंगे वो हमारा होल नंबर्स का सेट बन जाएगा गाइस अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की इंटीजर्स क्या होते हैं गाइस इंटीजर होती है कलेक्शन कलेक्शन किसकी फाइन तो हम इसमें क्या लेते हैं माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन Guys, हम इसमें होल नंबर भी एड करते हैं एंड देन फोर आगे five, आगे ऐसे ही जाता जाएगा ये सारी कलेक्शन को हम क्या करेंगे इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें कि होल नंबर भी इंक्लूड होते हैं और नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स होगी मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो नाउ वी विल डिफाइन रेशनल नंबर्स गाइस रेशनल नंबर्स क्या होते हैं व्हिच कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स अब आपको इंटीजर्स क्या होते हैं वो तो क्लियर हो ही चुका है तो जो भी हम इंटीजर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में अगर हम टू इंटीजर्स को लिख सकते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा मान लीजिए यहां पर अगर हम एग्जांपल लेंगे तो 5/4 इज अ रेशनल नंबर डिवाइड बाय इलेवन ले सकते हैं दिस इज ऑल रैशनल नंबर वी कैन डिफाइन इट नाइन बाई इलेवन नाउ गाइज ये पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं वेर क्यू कैन नॉट बी जीरो एंड पी इज अंटीजर भी हो सकता है फाइव बाई फोर नाइन बाय इलेवन और दीज आर रैशनल नंबर विच कैन बी रिटर्न एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जो भी नंबर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इ रैशनल नंबर बोलेंगे विच कैन नॉट बी रिटर्न एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास होते हैं गाइज ये हमारे पास होते हैं रूट की फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल रूट थ्री रूट टू गाइज ये सारे क्या होते हैं हमारे इेशनल नंबर तो पाई की वैल्यू भी आपको इेशनल होती है एंड रूट सेवन बट कई बार स्टूडेंट में देखा गया है कि इसकी क्लियरिटी बिल्कुल होती ही नहीं है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके थैंक यू गाइज मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नया सीखने के लिए तो आई थैंक यू